या खुदाया, हमें तो पता ही नहीं था हमारी मान के साथ उसके ससुराल में ऐसा सलूक होता है। बस इसी बात की कसर बाकी रह गई थी कि भरी महफिल में हमारी आंखों के सामने हमारी बहन को थप्पड़ मारने जाए। उसने कोई जानबूझ के थोड़ी किया था, गलती से उससे हो गया है। इस तरह भरी महफिल में तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। माँ, तुमने ये क्या हरकत की है? उसने भाभी बनकर नहीं, बहन बनकर ये सारी रस्में की थी। तुम्हें उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। मान, कुछ कहने की जरूरत नहीं है फखर। लेकिन फखर, हम बाद में बात करेंगे। वैसे फंक्शन में बहुत बदमस्की हो चुकी है, बात बढ़ेगी तो लोगों को ज्यादा बात बनाने का मौका मिल जाएगा। या खुदाया, हमें तो पता ही नहीं था हमारी मान के साथ उसके ससुराल में ऐसा सलूक होता है। बस इसी बात की कसर बाकी रह गई थी कि भरी महफिल में हमारी आंखों के सामने हमारी बहन को थप्पड़ मारने जाए। पहले खाला की बेइज्जती, फिर दानियाल से झगड़ा। अरे मैं तो कहती हूँ इस बात का जवाब अभी देना चाहिए। भाभी, खुदा का वास्ता प्लीज, दानियाल भाई देखे, अब जानते हैं ये हर किस वक्त नहीं है ये बात करने का। तो मौका और वक्त देखकर तुम्हें थप्पड़ मारने चाहिए थे उसे। भरी महफिल में तुम्हें थप्पड़ मारेंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं है। जैसे हसन भाई, अब बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत तमाशा बन जाएगा। फखर और उनके घर वालों की इज्जत का सवाल है। अभी कोई बात मत करें प्लीज। अम्मी समझाए ना इनको। इज्जत अफजाई तो खूब हो रही है इस खानदान में हमारी और हमारी बहन की। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, लेकिन गुस्से में बात बिगड़ जाएगी। अभी इस फंक्शन को खैर खैरियत से खत्म होने दें प्लीज। चलो सर। आए अम्मी। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.